गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए बीएससी थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था बहुउद्देश्य परियोजनाएं। हमने कुछ जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं उनकी बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे टिहरी बांध परियोजना और दूसरा है नर्मदा घाटी परियोजना। आइए आज हम बात करेंगे बहुउद्देश्य घाटी परियोजना चल रहा था। आज का अपना टॉपिक है टिहरी बांध परियोजना और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे नर्मदा घाटी परियोजना की। टिहरी बांध परियोजना की अगर हम बात करें तो टिहरी जो बांध है भागीरथी और उसकी एक सहायक नदी है, नदी का नाम है भिलंगना। भागीरथी और उसका एक सहायक नदी है, नदी का नाम है भिलंगना। उन दोनों के संगम स्थल जहाँ वो मिलती हैं, संगम स्थल से 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। संगम पर नहीं, संगम से 1.5 किलोमीटर निचली घाटी में क्या किया गया है, 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। यह जो क्षेत्र है भूकंप जोन 5 में आता है। आगे बात करेंगे क्या कारण है क्या नहीं है। भागीरथी तथा उसकी सहायक भिलंगना है, उसके संगम स्थल से 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। बांध की अगर ऊंचाई की हम बात करें 261 मीटर, बांध की ऊंचाई की बात करें कि उसकी हाइट कितनी है, बांध की ऊंचाई की बात करें तो 261 मीटर उसकी ऊंचाई है और लंबाई की बात करें तो 570 मीटर क्या है उस बांध की लंबाई है। बांध के पीछे क्या बनेगा, झील बनेगा, सरोवर बनेगा, सही है भाई। बांध बनेगा, बांध के पीछे जो जल एकत्रित हो जाएगा हम उसको झील भी बोल सकते हैं, दूसरा सरोवर कह सकते हैं। तो उस सरोवर की जो जल ग्रहण की जो क्षमता है वो कितनी है, 35.39 बिलियन घन मीटर जल की, इतना जो जल है वहाँ क्या हो सकता है, एकत्रित हो सकता है। प्रथम चरण की बात करें, द्वितीय चरण की बात करें, देखिए कोई भी परियोजना होती है एक चरण में भी कंप्लीट हो सकती है, दो चरणों में भी हो सकती है और उससे अधिक चरण भी हो सकते हैं। तो जो टिहरी बांध परियोजना थी, दो चरणों में इसका जो परियोजना थी इसको पूर्ण करने का प्रस्ताव रखा गया। तो प्रथम और जो द्वितीय चरण थे उसमें 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण जब दोनों चरण कंप्लीट हो जाएंगे तो 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। भूकंप क्षेत्र की बात करें, आप सभी जानते हैं जो भागीरथी है गंगा, उस भागीरथी से ही मिलकर बननी है गंगा और अलकनंदा के संगम से आगे गंगा नदी निकलती है। तो जो भागीरथी वाला क्षेत्र है हम कह सकते हैं उत्तराखंड क्षेत्र में शामिल है। तो आप सभी जानते हैं हिमालय का वह क्षेत्र किस प्रकार का है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। तो जो भूकंप जोन 5 है, यह क्षेत्र कौन से जोन में आता है, भूकंप जोन 5। तो पहले क्या, भूकंप जोन 5, तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जो भूकंप जोन 5 में आते हैं वो अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में 8 या 8 से अधिक रिएक्टर स्केल पर 8 या 8 से अधिक का क्या आएगा, अधिक तीव्रता का भूकंप आता है। देखिए जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती जाती है उसी अनुपात में उतना ही अधिक वह विनाशक होता जाता है। तो यह जो भूकंप क्षेत्र है, जो टिहरी बांध वाला जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है तो भूकंप जोन 5 में यह आता है। कह सकते हैं यहाँ पर कभी भी इस प्रकार के भूकंप जैसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो भूकंप जोन कौन से में आता है, 5 में आता है। पहले क्या थे, भूकंप जोन 5 हुआ करते थे, कैसे, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो जो सबसे खतरनाक है वो कौन सा है, जोन 5। लेकिन वर्तमान समय में जो एक नंबर का जो भूकंप जोन है ना उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में कितने भूकंप जोन हैं हमारे पास, 4 भूकंप जोन हैं। वर्तमान समय में हमारे पास कितने भूकंप जोन हैं, 4 भूकंप जोन हैं। ये प्रथम भूकंप जोन, ये द्वितीय भूकंप जोन, ये तृतीय भूकंप जोन और ये चतुर्थ भूकंप जोन, सही है। पहला भूकंप जोन नंबर 2, दूसरा नंबर 3, तीसरा नंबर 4 और चौथा जो भूकंप जोन है नंबर 5। तो जो प्रथम भूकंप जोन था उसको हटा दिया गया है क्योंकि बहुत कम तीव्रता के भूकंप आते थे जिसके कारण उसको, जो प्रथम जोन था उसको हटा दिया गया है। वर्तमान समय में जो हमारे भूकंप जोन हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो इस जो क्षेत्र में भूकंप आता है वो भूकंप 5 आता है, जोन 5 कौन सा है तो चौथा ही, लेकिन इसको बोलते क्या है, जोन 5।
तो यहाँ जो भूकंप आते हैं वो अत्यंत संवेदनशील प्रकार के होते हैं। कह सकते हैं कि जो रिएक्टर स्केल पर उसका अगर माप है तो 8 या 8 से अधिक तीव्रता के यहाँ पर भूकंप आते हैं, जो अत्यधिक क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। तो ये हमने किसकी बात कर रहे हैं, हम टिहरी की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ और आती है कि बांध के पीछे जो सरोवर बना, उस सरोवर का नाम क्या है, स्वामी राम तीर्थ सागर। कि टिहरी बांध के पीछे जो सरोवर बनता है, झील बनता है, उस झील को किस नाम से जाना जाता है, स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से उसको जाना जाता है। भूकंप क्षेत्र 5 में आता है। रिएक्टर स्केल पे 8 से अधिक तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। महालियर फॉल्ट में यह स्थित होने के कारण भी यहाँ पर भूकंप की आशंका अधिक बढ़ जाती है, और भूकंप वैज्ञानिक तथा बांध निर्माताओं का ऐसा मानना है कि यह बांध इस तीव्रता से भी सुरक्षित है। लेकिन कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर भूकंप आया तो इस बाढ़ के नष्ट होने से व्यापक विनाश की आशंका बनी रहती है। कह सकते हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 22 जो गाँव हैं पूर्ण रूप से डूब जाएंगे, 76 जो गाँव हैं, 76 जो गाँव हैं आंशिक रूप से डूब जाएंगे, 2,500 हेक्टेयर जो भूमि है, कृषि भूमि, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और 60,000 लोग विस्थापित हो जाएंगे, कि लोग बेघर हो जाएंगे। अगर यह बांध टूटता है तो इतना अधिक यह विनाशकारी रहेगा कि इसका प्रभाव दिल्ली तक देखने को मिलेगा। अगर यह बांध टूटता है तो दिल्ली के भी डूबने की आशंका बनी रहती है। कारण क्या है, भूकंप जोन 5 में यह स्थित है, अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। 8 या 8 तीव्रता से अधिक के यहाँ पर भूकंप आते हैं। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर महालियर फॉल्ट में शामिल होने के कारण अगर यहाँ कोई भी भूकंप आते हैं तो उस भूकंप की तीव्रता 8 या 8 से अधिक रहेगी, तो इतना अधिक विनाशकारी रहता है कि जो 2,500 हेक्टेयर भूमि है, कृषि भूमि नष्ट हो जाएगी, 60,000 लोग विस्थापित हो जाएंगे, 22 गांव पूर्ण रूप से डूब जाएंगे, और 76 गांव ऐसे रहेंगे जो आंशिक रूप से डूब जाएंगे। तो कह सकते हैं कि बाढ़ वाली स्थिति आ जाएगी और बहुत ही विनाशक वह स्थिति रहेगी। इसका प्रभाव दिल्ली तक देखने को मिलेगा। यही कारण है कि बांध की ऊंचाई को कम करने के संबंध में विवाद रहा है। आप सभी जानते हैं जितनी अधिक बांध की ऊंचाई होगी उतना ही जल वहाँ एकत्रित किया जा सकता है। लेकिन अगर बांध की ऊंचाई क्या होगी, कम होगी, तो जो नहर बनाएंगे, नहरों में अधिक दूरी तक जल नहीं जा पाता है। इसलिए क्या होता है, जो बांध है उसकी ऊंचाई बढ़ाने का एक मुख्य कारण यह भी रहता है, ताकि बांध की ऊंचाई अधिक होगी तो उसमें अधिक जल ग्रहण क्षमता रहेगी। अधिक जल ग्रहण क्षमता रहेगी तो पानी के दबाव से तो वह अधिक दूर तक जो कृषि भूमि है उसको सिंचित किया जा सकता है। तो टिहरी बांध की जो ऊंचाई थी उसको कम करने के संबंध में भी क्या रहा था, इसमें विवाद रहा था। तो ये थी हमारी कौन सी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ, दो नदियों के संगम से 1.5 किलोमीटर नीचे कह सकते हैं भागीरथी और उसकी सहायक नदी कौन सी है, भिलंगना है। इन दोनों के संगम स्थल से 1.5 किलोमीटर नीचे एक टिहरी है, टिहरी स्थान, वहाँ पर टिहरी बांध बनाया गया है। और बांध की जो ऊंचाई है 261 मीटर ऊंचाई, और लंबाई की बात करें 570 मीटर उसकी लंबाई है। बांध के पीछे जो निर्मित झील है उसको बोलते हैं स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से उसको जाना जाता है। सरोवर की अगर जल ग्रहण क्षमता की बात करें, इतना बड़ा सरोवर है जिसमें 35.39 बिलियन घन मीटर जल संग्रहित किया जा सकता है। प्रथम और द्वितीय चरण की बात करें, विद्युत बिजली का उत्पादन किया जाता है, 2,400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भूकंप क्षेत्र जोन 5 में शामिल है, अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में शामिल है, जिसके कारण 8 या 8 से अधिक तीव्रता के यहाँ पर भूकंप आते हैं। महालियर फॉल्ट में शामिल है, आपने देखा होगा कि मध्य हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, तो जो बीच के जो फॉल्ट होते हैं, जो सीमाएं होती हैं, वो सबसे अधिक कह सकते हैं कि भूकंप के केंद्र माने जाते हैं। तो उस क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पर भूकंप जोन 5 में शामिल है। 8 या 8 से अधिक तीव्रता के यहाँ पर भूकंप आ सकते हैं। अगर भूकंप आते हैं तो कृषि भूमि है, 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो जाएंगे, 22 गांव पूर्ण रूप से डूब जाएंगे, 76 गांव ऐसे हैं जिन पर आंशिक रूप से वो गांव डूब जाएंगे। कह सकते हैं कि वहां की जो
जनजीवन है अस्त व्यस्त हो जाएगा, बाढ़ जैसी स्थितियाँ आ जाएगी। यही कारण है कि इस बांध की ऊंचाई कम करने के संबंध में क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था कि बांध की इतनी अधिक ऊंचाई नहीं की जाए ताकि भविष्य में कभी कुछ इस प्रकार का भूकंप आता है तो जिसके कारण हमें बहुत अधिक हानि उठानी पड़ेगी। ऐसा मानना है कि पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित होने के कारण अगर बांध कभी टूटता है तो इसका प्रभाव दिल्ली तक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना भारत की पांचवी विशालतम नदी, जो नर्मदा नदी है भारत की पांचवी विशालतम नदी है, सही है। गंगा, गोदावरी और उसके बाद गंगा, गोदावरी, कावेरी, चंबल और उसके बाद नर्मदा, पांचवी भारत की पांचवी विशालतम नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा है। पूर्व की ओर काफ़ी लंबी लंबी नदियाँ बहती हैं लेकिन पश्चिम की बात करें क्योंकि मोस्टली जो नदियाँ हैं पश्चिम घाट से निकलती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं, और लेकिन जो नर्मदा है मध्य भारत से निकलती है और कई दो या तीन राज्यों में उसका विस्तार पाया जाता है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है, बहती हुई कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा है। नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें 1312 किलोमीटर क्या पाई जाती है, इस नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। कमान क्षेत्र की बात करें कि जलग्रहण क्षेत्र की बात करें कि कितने राज्यों से बहकर गुजरती है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। MP सर्वाधिक 87%, कमान क्षेत्र की अगर हम बात करें गुजरात 11.5% और महाराष्ट्र बात करें 1.5%। इसका जो उपयोग है सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है कि सिंचाई की सुविधाओं का हम विकास करें, विद्युत उत्पादन करें और बाढ़ को नियंत्रित करें। इसलिए इस जो नर्मदा परियोजना है, नर्मदा घाटी परियोजना है, इस परियोजना का विकास किया गया है सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए। अब बात आती है कि जो गुजरात है इस पर जो नर्मदा नदी है इस पर क्या बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं। देखिए कैसे हैं, इसकी स्थिति बताते हूँ आपको। नर्मदा नदी पर क्या बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं, लेकिन जो बांध हैं वो कहाँ बनाए गए हैं, निचली घाटी में बनाए गए हैं ताकि अधिक से अधिक सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सके, ताकि अधिक से अधिक सिंचाई सुविधाओं का विस्तार इसमें किया जा सके। देखिए क्या था, जो नर्मदा घाटी परियोजना है इसी की हम बात कर रहे हैं। ये अपना कौन सा वाला क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र, सही है। कल्पना कीजिए यहाँ से निकल रही है और कहाँ गिरेगी, यहाँ गिरना है इसको, ठीक है। इसमें कितने बांध बने हुए हैं, एक है नर्मदा नदी पर जस्ट अरब सागर में गिरती है, निचली घाटी में इस बांध का निर्माण किया गया है जिसको बोलते हैं नर्मदा सागर बांध, सही है। कौन सा बांध बोलते हैं, नर्मदा सागर बांध। तीन बांध यहाँ बनाए गए हैं, इस पे तीन बांध यहाँ बनाए गए हैं जो कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है, ये वाला कहाँ है, नर्मदा गुजरात में है। तो गुजरात में एक बांध है जिसको बोलते हैं सरदार सरोवर और दूसरा है एमपी में जो है गुजरात में तो है सरदार सरोवर और एमपी में जो बांध बनाए गए हैं उनमें नर्मदा सागर बांध है, ओंकारेश्वर और माहेश्वर। तो ये जो बांध बनाए गए हैं सरदार सरोवर परियोजना के अकॉर्डिंग, तो इसमें अगर हम बात करें तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है, एमपी में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया है, दो बांध अन्य का निर्माण किया गया है जिसको बोलते हैं ओंकारेश्वर परियोजना और माहेश्वर परियोजना।
तो जो तीन बांध है वो तो एमपी में है और एक बांध है वो कहाँ है, गुजरात में है। टोटल इस पे चार बांधों का निर्माण किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बांध है, उसके राज्य की स्थिति क्या है। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ बनाया गया है, गुजरात में बनाया गया है। एमपी में नर्मदा सागर बांध, ओंकारेश्वर परियोजना और माहेश्वर परियोजना या माहेश्वर जो बांध हैं वो कहाँ बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो दूसरा इन्होंने कहा कि दोनों बांधों का जो कमान क्षेत्र है 19 लाख हेक्टेयर है, ओंकारेश्वर का और माहेश्वर का। इन दोनों का अगर कमान क्षेत्र की बात करें तो 19 लाख हेक्टेयर है। इस परियोजना में लगभग 3000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। अन्य अगर लाभों की बात करें, इन दोनों परियोजनाओं में 3000 मेगावाट विद्युत का क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। अगर अन्य लाभ की हम बात करें, कृषि विकास है, औद्योगिकरण है, लोगों को रोजगार मिलेगा, वृक्षारोपण है, नगरीयकरण है, ये सब क्या है इसके अन्य लाभ हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी बांध का निर्माण होता है तो उस क्षेत्र में क्या होती है, सिंचाई सुविधाओं का विकास होता है। सिंचाई सुविधाओं का विकास होगा, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलेगा, उद्योग मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, आप सभी जानते हैं औद्योगिक जो क्रियाएं होती हैं नगरों में स्थापित होती हैं, और इसलिए औद्योगिकरण भी होगा, नगरीकरण भी होगा, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो वहाँ वृक्षारोपण भी होगा, कृषि का विकास भी होगा। तो ये क्या है, इस परियोजना के अन्य लाभ हैं। विद्युत का उत्पादन तो होगा ही होगा, उसके अलावा हम कह सकते हैं सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, ये कार्य तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा अन्य जो लाभ हैं उसमें कृषि का विकास, औद्योगिकरण, रोजगार, वृक्षारोपण, नगरीयकरण, इस प्रकार के अनेक लाभों का इस परियोजना से लाभ मिलेगा। सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं, कहाँ पर है, गुजरात में। देखिए यह जो बांध का निर्माण किया गया है निचली घाटी में किया गया है। कारण क्या है, आप सभी जानते हैं कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह जो नदी है कहाँ से बहकर होती है, भ्रंश घाटी से, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, उन दोनों के मध्य से होकर यह नर्मदा नदी निकलती है। तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसका ढाल किधर है, किधर है, पश्चिम की ओर है, अरब सागर की ओर है। तो यहाँ निचली घाटी में बांध का निर्माण किया गया है ताकि, क्यों, जैसे ये वाले बांध हैं, बांध तो खूब बनाए गए हैं, इनसे भी नहरें भी निकाली गई हैं, विभिन्न योजनाएं बनाई गई, लेकिन निचली घाटी में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बांध का निर्माण किया गया है, निचली घाटी में बांध का निर्माण किया गया है ताकि जल को क्या किया जा सके, बांध जल को क्या किया जा सके, जल को एक जगह इकट्ठा किया जा सके और उसका लाभ राजस्थान के पश्चिमी जिलों तथा गुजरात में कच्छ के रण तक सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। इस बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर भी विवाद रहा था 1990 के दशक में। सरदार या नर्मदा घाटी परियोजना, सरदार सरोवर, दो मुख्य इसमें नेता थे, एक था बाबा आमटे और दूसरा कौन था, एक महिला थी, बताती हूँ अभी, नाम ध्यान आने दो। तो यह क्या था, किधर आता ही है, पश्चिम की ओर। तो निचली घाटी में क्या किया गया था, जल को रोका गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो गुजरात है कच्छ के रण तक क्या किया जाए, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए, राजस्थान है उसका जो दक्षिणी शुष्क भाग है उसमें क्या की जाए, सिंचाई की व्यवस्था की जाए। इस बांध को लेकर क्या विवाद भी हुआ था कि इसकी ऊंचाई को कम किया जाए। कारण क्या था, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो बांध की जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो क्या होता है, जलीय जो क्षेत्र होता है क्या हो जाएगा, वो जलमग्न हो जाता है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये सारे चारों जो राज्य हैं वो क्या हैं, शामिल हैं। गुजरात के भेड़ोच जिले में नर्मदा नदी पर यह इस बांध का निर्माण किया गया है। बांध की जो ऊंचाई है 1387 मीटर ऊंचा है। बांध की जो ऊंचाई की अगर हम बात करें 1387 मीटर ऊंचा है। जल भंडारण क्षमता की बात करें 77 लाख एकड़ फीट में यह फैला हुआ है। 77 लाख हेक्टेयर भूमि को यह सिंचित करेगा। 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 8720 जो गाँव हैं उनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। 4650 जो हेक्टेयर है उस पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और कह सकते हैं कि वैसे तो देखा जाए तो इस बांध परियोजना से लाभ ही लाभ है, लेकिन एक चीज़ और आती है इसमें, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया है इसमें सर्वाधिक हानि मध्य प्रदेश को है और सर्वाधिक जो लाभ है वो किसको है, गुजरात को है। एमपी को
सर्वाधिक हानि है। कारण क्या है? 200 गांव डूबने का, 15 लाख लोग विस्थापित हो जाएंगे और 39 लाख जो हेक्टेयर भूमि है वह जलमग्न हो जाएगी। देखिए कारण क्या होता है, किसी भी हम बांध का निर्माण करते हैं, नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया, किसी भी बांध का निर्माण करते हैं, आप सभी जानते हैं उस एक बड़े भूभाग पर जल एकत्रित होता है, फिर उस जल को नहरों में छोड़ा जाता है। तो कोई भी क्षेत्र है जब जलमग्न होगा तो जलीय कह सकते हैं जो जीव जंतु हैं उनके लिए, जो वहाँ निवास करते हैं उनके लिए, और खेती भूमि है वो सब क्या हो जाएगी, उस क्षेत्र की जलमग्न हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं। अब किसी भी बांध का निर्माण करेंगे, जल को रोकेंगे तो वो पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। तो 200 गाँव डूब जाएंगे कि वो क्षेत्र क्या होगा, खाली करवाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि 200 गाँवों की जो भूमि है वो क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। अब जलमग्न हो जाएगी, आप सभी जानते हैं पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर क्या है, जीव जंतु भी रहते हैं। वो जीव जंतु कैसे हो जाएंगे भाई, उनको संरक्षण मिला हुआ है वहाँ, तो जो जीव जंतु हैं भूमि जलमग्न होने से उनके आवास से विलुप्त हो जाएंगे। दूसरा, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, बहुत सारी एमपी में जनजातियाँ रहती हैं, जनजातियों को विस्थापित करना पड़ेगा, उस स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करना पड़ेगा। तो उसमें विस्थापन की समस्याएं भी आएंगी कि इन जो जनजातियां हैं उनको कहां पर विस्थापित किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि 39 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वह बांध बनाने से क्या होगा, बांध के पीछे जो झील बनेगी, सरोवर बनेगा, उस सरोवर के जलमग्न होने से कृषि योग्य जो भूमि है वो क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े भाग पर क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, जल ही जला जाएगा। तो जो जीव जंतु हैं उनकी समस्या रहेगी, जो जंगली हमारी जनजातियां हैं उनके विस्थापन की समस्या रहेगी, गांव हैं गांव डूब जाएंगे। और दूसरा एक रीज़न और बताया कि इतना क्षेत्र जलमग्न रहने से क्या होगा, जो खेती योग्य भूमि है वो भी क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। बांध का निर्माण होने से 39 लाख हेक्टेयर की जो भूमि है वह क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश को तो क्या है, सर्वाधिक नुकसान है, क्योंकि जो भूमि देनी पड़ रही है किसको देनी पड़ रही है, नर्मदा सागर बांध के लिए, किसको, मध्य प्रदेश को। तो सर्वाधिक नुकसान तो किसको है, मध्य प्रदेश को, लेकिन सर्वाधिक लाभ किसको है, गुजरात को। क्यों? क्योंकि यहाँ से जल छोड़ा जाएगा, ये निचली घाटी में आगे आएगा और यहाँ से गुजरात में कच्छ के रन तक, क्योंकि देखिए जो गुजरात है वो भी शुष्क प्रदेश में शामिल है, ये वाला सौराष्ट्र वाला गिर वाला क्षेत्र है, इसमें थोड़ी सी वर्षा हो जाती है। आगे कच्छ के रन और दक्षिणी राजस्थान की हम बात करें, पूर्ण रूप से शुष्क पाया जाता है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और कच्छ का रन, इन क्षेत्रों को इस बांध से क्या होगा या इस परियोजना का सर्वाधिक लाभ मिलेगा। सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलेगा, क्यों, क्योंकि इन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। और सर्वाधिक नुकसान किसको है, मध्य प्रदेश को है, क्योंकि जो बांध बना है, बांध के पीछे की जो भूमि है, जो सरोवर बना है, झील बनी है, वो ज़मीन किसको देनी पड़ रही है, मध्य प्रदेश को देनी पड़ रही है। और मध्य प्रदेश जो भूमि देगा, जिसके कारण क्या होगा, एक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं, एक बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो जाएगा, जिसमें वनस्पति भी है और जीव जंतु भी हैं, जनजातियाँ भी हैं, तो बहुत सारे लोगों को विस्थापित करने की बहुत सारी अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी देखने को सामने आती हैं। तो ये हमने बात करी थी नर्मदा घाटी परियोजना की। तो सरदार सरोवर परियोजना थी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन सभी की संयुक्त परियोजना है। गुजरात में एक भैडोच जिला है, नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया है, 1387 मीटर ऊँचा है, जल भंडारण क्षमता 17 लाख हेक्टेयर एकड़ फिट है, और 17 लाख हेक्टेयर भूमि को ही क्या करेगा, वह संचित करेगा। जल विद्युत शक्ति उत्पादित, विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है, गांवों को पेयजल की व्यवस्था की जाती है, वृक्षारोपण किया जाता है, लोगों को रोजगार मिलता है। और आगे अगर हम बात करें, सर्वाधिक नुकसान मध्य प्रदेश को है और सर्वाधिक लाभ किसको है, गुजरात को है। कारण क्या है, कच्छ के रन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएंगी। और दूसरा कारण क्या था कि हानि सर्वाधिक किसको है, मध्य प्रदेश को है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जल को संग्रहित किया जाता है वह मध्य प्रदेश में आता है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो वन क्षेत्र है उनका तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में जो कृषि भूमि है उन क्षेत्रों में, जंगलों में जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनको विस्थापित करने की समस्या आएगी। और हम कह सकते हैं कि जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो क्या हो जाएगी, इस सरोवर के या झील के बनने से वह जलमग्न हो जाएगी। तो ये थी हमारी कौन सी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना।
नर्मदा घाटी परियोजना की हमने क्या की बात की। तो आज हमने दो परियोजनाओं की बात की थी, फर्स्ट था टिहरी बांध परियोजना और दूसरा है नर्मदा घाटी परियोजना। जो नर्मदा घाटी परियोजना है भारत की पांचवी विशालतम नदी है, नर्मदा जो है भारत की पांचवी विशालतम नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली देश की सबसे बड़ी नदी, क्योंकि भारत के मध्य से निकलती है और कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। 1312 किलोमीटर लंबी है। कमान क्षेत्र की बात करें, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका कमान क्षेत्र पाया जाता है। सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है, लेकिन कृषि विकास, औद्योगिकरण, रोजगार, वृक्षारोपण, नगरीयकरण, ये इसके अन्य लाभ हैं। विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। इस पर मुख्य रूप से चार बांध बने हुए हैं, गुजरात में सरदार सरोवर बांध, एमपी में नर्मदा सागर बांध, ओंकारेश्वर परियोजना और माहेश्वर परियोजना, ये सभी परियोजनाएं शामिल हैं। ये दोनों जो परियोजनाएं हैं 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, 3000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कराती हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट में किसकी बात की, सरदार सरोवर बांध की बात की। इन चार राज्यों में यह है कि संयुक्त परियोजना है, इन चारों राज्यों को लाभ मिलेगा। सर्वाधिक लाभ किसको मिलेगा, गुजरात को मिलेगा और सर्वाधिक हानि किसको होगी, मध्य प्रदेश को होगी। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात की थी, नर्मदा घाटी परियोजना की। आज का क्वेश्चन सुनिए और जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट अवश्य करें। टिहरी बांध कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, टिहरी जो बांध है कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध का निर्माण जहाँ किया गया है टिहरी पर, वहाँ पर जो झील निर्मित हुई है, बांध के पीछे जो झील स्थित है, झील का नाम बताइए। ठीक है, और नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे टिहरी बांध भूकंप जोन कौन से में शामिल है, जहाँ कितने रिएक्टर स्केल पर भूकंप आते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना की बात करें, नर्मदा सागर बांध कौन से राज्य में स्थित है, कमेंट करके आप मुझे रिप्लाई करेंगे। और एक रिप्लाई करेंगे, जो नर्मदा घाटी परियोजना है उसका सर्वाधिक लाभ कौन से राज्य को मिल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया इनका कमेंट करके आप मुझे आंसर करें। धन्यवाद।